हाँ हड़ताल कर दी सर, हड़ताल रहेगा 10 दिन 15 दिन, जब तक हमारे मांगे पूर्ण नहीं होगा जब तक हम सुनेंगे नहीं। बस जहानाबाद में नगर परिषद के दैनिक सफाई कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी अपनी मांग को लेकर शहर के ठाकुरबाड़ी में धरना देकर जिला प्रशासन और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए वेतन बढ़ोतरी की मांग की है। सफाई कर्मियों का कहना है कि जब तक हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तब तक शहर की साफ सफाई नहीं करेंगे। सुनिए कि इन सफाई कर्मियों का इस विषय में क्या कुछ कहना है। जी हम लोग का मांग है कि अभी तो पहले जान लीजिए हम लोग का बात कि अभी का डेट में जो काम चल रहा है 5500 रुपया दिया जाता है, 8 घंटा ड्यूटी रहता है और ठेकेदार लोग जितना ना एट जुट कर इतना बात करता ना हम लोग से कि क्या बताएं सर, पूछिए मत। उसमें जानते हैं 4 संडे छुट्टी भी नहीं देता है, इतवार को जब ड्यूटी लेता है ना सर तो 30 दिन का पैसा नहीं देता है, ये लोग 26 दिन का देता है, बोलता है कि इतवार का पैसा नहीं देते हैं ऐसे। और आ गया हम लोग का मांग है सर 12,000 रुपया, ठीक है। और मान लीजिए जैसे हम लोग अनपढ़ आदमी है नहीं पता कि कितना वहाँ पेमेंट है, तो बस इतना चाहते नगर पार्षद में जितना हम लोग के नाम से पैसा आता है उतना हम लोग को मिलना चाहिए, बस हम लोग यही मांग है सर। हाँ हड़ताल कर दी सर, हड़ताल रहेगा 10 दिन 15 दिन, जब तक हमारे मांगे पूर्ण नहीं होगा जब तक हम सुनेंगे नहीं। बस हम लोग हड़ताल कर दिए, हम लोग के मजदूरी नहीं मिलता है पूरा, हम लोग के 5000 रुपया मिलता है और उसमें 4 संडे काट लेता है, हम लोग के वो भी पैसा नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम लोग मांग पूरा कर रहे हैं कि जितना वो मिलना चाहिए उतना मिलेगा 12,000 रुपया। हाँ धरना दिए हम लोग अपना मांग के लिए। क्या मांग है आपको? 12,000 रुपया हम लोग के मांगे, हम लोग के नगर निगम से मिलना चाहिए, ठेकेदारी वाला नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बैठल है। हड़ताल आगे भी जारी रहेगा किसी पे आज एक दिन खैर नहीं, जब हमको मांग नहीं पूरा होगा उस दिन हम हैदराबाद पर बैठे रहेंगे, मांग पूरा हो जाएगा हड़ताल तोड़ देंगे। हमारा मांग यही है कि हम लोग काम बंद कर दिए सर, हमारा जितना पेमेंट वहाँ से आता है बेस स्लिप में जितना हमारा पेमेंट है ना उतना हमको चाहिए जी। इसके लिए क्या किया? हम लोग हड़ताल कर दिए, हाँ और हड़ताल रहेगा जब तक हमारा मांगे पूरे नहीं होगा जब तक हम हड़ताल करें। हमारा मांग यही है कि 12,000 हमको जितना पेमेंट चाहिए हमारा है ना, 4 संडे छुट्टी चाहिए और जो ठेकेदार है ना इतना वैल्यू लेबर का वैल्यू नहीं देता, ठीक ना। और एक गाड़ी पर एक लेबर देता है, एक गाड़ी पर 2 लेबर चाहिए हमको बस जी। हाँ इसीलिए हम लोग हड़ताल कर दिए। हाँ सर जो ज्यादा बोलता है ना सर उसको हटा दिया जाता है, और जो बारिश होता है सर बारिश में कहता है कि काम करो, बारिश में तबीयत खराब हो जाएगा, बरसात ही नहीं देता, दबाव देता, डराता है, धमकाता है हम लोग। कुछ तबीयत खराब हो जाता है काम करते हुए, तबीयत खराब हो जाता है तुरंत हाजिरी काट देता है, भगा देता है कि हाँ हाजिरी नहीं मिलेगा, जाओ तुम हाजिर गया आज के लिए, ज्यादा बोलता है तो इसको हटा देता है ठेकेदार जी। हाँ हमको यही कहना है कि ठेकेदार एकदम हटाना, हमको नगर पालिका से हमको चाहिए जो भी नहीं आता है नगर पार्षद से खटेंगे जी, खटेंगे। तो आपने सफाई कर्मियों को सुना जिन्होंने बताया कि नगर परिषद के अधिकारी हर बार मजदूरी में बढ़ोतरी किए जाने का आश्वासन देते हैं पर ना ही अस्थाई कर रहे हैं और ना ही दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नगर परिषद के ठेकेदारों को हटाने की मांग की है। दैनिक सफाई कर्मियों का कहना है कि महीने में 30 दिन काम लिए जाते हैं लेकिन हम लोगों को 26 दिन की ही मजदूरी मिलती है, ऊपर से बरसात के दिनों में बारिश में काम लिया जाता है जिससे तबीयत खराब होने का भी डर रहता है। कर्मियों ने धरना प्रदर्शन के जरिए मांग की है कि हम लोगों का 12,000 रुपए महीना और रविवार को अवकाश दिया जाए, हम लोगों की मांग पूरी नहीं की गई तो उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। गौरतलब है कि सफाई कर्मियों के हड़ताल से शहरों की सड़कों और नालियों की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।